Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. क्या नीवल तो हम पहुंच चुके हैं मस्जिद इस्तिस्का को. ये वो जगह है जहां पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी थी बारिश के लिए. नमाज और इस मस्जिद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी नमाज पढ़ी थी और ईद के दो नमाज भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद में अदा की है. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे. आज हम आपको ज़ियारत करवाएंगे मस्जिद इस्तिस्का की, जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारिश के लिए नमाज पढ़ी थी. इंशाल्लाह आज आप उसकी ज़ियारत करवाएंगे. चलिए चलते हैं नमाज इस्तिस्का की. अभी हम जा रहे हैं मस्जिद इस्तिस्का की तरफ, तो इंशाल्लाह आप आपको ज़ियारत करवाएंगे, तो हमारे साथ रहिएगा. शुक्रिया. वीवर तो हम पहुंच चुके हैं मस्जिद इस्तिस्का को. ये वो जगह है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी थी बारिश के लिए. नमाज इस्तिस्का भी इसको कहते हैं. तो यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारिश, जब बारिश नहीं हो रही थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चमक किया और कहा कि आई नमाज इस्तिस्का पढ़ी थी. यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज इस्तिस्का पढ़ी थी. इंशाल्लाह हम आपको ज़ाहिर करवाते हैं. उम्मीद करते हैं कि दरवाज़ा खुला हो, क्योंकि कोरोना की वजह से सारा कुछ बंद किया हुआ है. इंशाल्लाह उम्मीद है कि दरवाज़ा खुला रहेगा. चले चलते हैं इंशाल्लाह अंदर की तरफ. तो ये आप इसकी तारीख पढ़ भी सकते हैं इंशाल्लाह. और इस मस्जिद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी नमाज़ पढ़ी थी और ईद के दो नमाज़ें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद में अदा की है. इंशाल्लाह दरवाज़ा खुला है तो हम अभी अंदर जा रहे हैं. अंदर आ गए हैं तो इंशाल्लाह भी इधर तो रकात पढ़ेंगे. गाइस, आज की हमारी वीडियो ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ अपनी नमाज और नमाज इस्तिस्का, मतलब बारिश के लिए जो नमाज पढ़ी थी, अपने आप ज़ियारत करवाई, तो इंशाल्लाह हम आपको आगे भी इंशाल्लाह ताला तारीख मकामात ज़ियारत करवाएंगे. तो हमारे साथ रहिएगा. शुक्रिया.